रविंद्र कुमार लवली सभासद वार्ड नंबर 12 नगर निगम झांसी की ओर से समस्त नगरवासियों को होली एवं भाई दूज की हार्दिक बधाई। होली के त्योहार को देखते हुए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। होलिका दहन के साथ प्रारंभ होने वाले 3 दिवसीय रंग पर्व होली के त्योहार को लेकर जिला पुलिस सतर्क नजर आई। इसी को लेकर पुलिस कप्तान अमन सिंह राठौर के नेतृत्व में शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया। इस अवसर पर पुलिस कप्तान अमन सिंह राठौर ने कहा कि यह त्यौहार उत्साह और उमंग का त्यौहार है। हम सबको आपसी सौहार्द एवं मेल मिलाप के साथ ही इस त्यौहार को मनाना चाहिए। राठौर ने निर्देश दिए कि ड्यूटी पर तैनात हर पुलिस अधिकारी एवं जवान को पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी करना है एवं जिस अधिकारी एवं कर्मचारी को जो पॉइंट मिले हैं उसे वहीं पर ड्यूटी करना है। अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि ड्यूटी में जो वाहन लगे हैं उनमें माइक के साथ साथ आवश्यक संसाधन पूरे हों। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि कल होली का पर्व है, इसमें जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे, सभी लोग शांतिपूर्वक त्यौहार को मना सकें, और इसलिए हम लोगों ने पूरे शहर के अंदर स्टैटिक पॉइंट लगाए, मोबाइल पार्टियाँ चलाई हैं। जो हमारे थाने की गाड़ी है उसके अतिरिक्त लगभग 20 मोबाइल पार्टियाँ हमने अलग से बनाई है। ग्वालियर से हमें लगभग 200 का बल और एक्स्ट्रा मिला है। आज डीसी साहब ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए निर्देश दिए थे कि जो भी कोई शांति भंग करने का प्रयास करता है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शराब पीकर के, भांग पीकर के उत्पात करने वाले, अनावश्यक डीजे बनाने वाले, उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शांति का पर्व है, अच्छा पर्व है, तो हम सभी लोग चाहते हैं शांतिपूर्वक मनाएं, बिना किसी को खलल डालें। बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से भी अपील करना चाहूँगा कि डीजे का अनावश्यक प्रयोग ना किया जाए। अगर घर में भी गाने वाने बजा रहे हैं तो इसका ध्यान रखें कि आपके आसपास में किसी अन्य की शांति में खलल उत्पन्न ना हो। शराब पीकर के गाड़ी न चलाएं, घर पे रहिए। बाहर जगह निकलते हैं तो कानून नियमों का पालन करते हुए निकलें और आप सभी को होली की शुभकामनाएं। इस दौरान पुलिस कप्तान अमन सिंह राठौर के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरडी प्रजापति एवं दतिया SDOP गीता भारद्वाज एवं भारी पुलिस बल मौजूद रहा। दतिया से प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे, झांसी।